नमस्कार, मैं मनीषा मणि गरिमा विद्या विहार की ओर से सभी विद्यार्थियों एवं पालकों को प्यार भरा नमस्ते करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब परिवार सहित स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे एवं लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहती हूँ। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सभी पालकों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हमारे बच्चे घर के बाहर पूरी तरह विद्यालय में सुरक्षित हैं? हमने जिस तरह से उनका घर में सुरक्षा का ध्यान रखा है, क्या विद्यालय में भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा? तो मैं सभी पालकों को विद्यालय की ओर से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे हमेशा की तरह विद्यालय में सुरक्षित हैं। हमारे विद्यालय का मुख्य सिद्धांत है पहले सुरक्षा फिर शिक्षा। हमने हमेशा प्रारंभ से ही विद्यालय की शिक्षा से पहले उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। हमने हमेशा उनकी सुरक्षा को देखते हुए सभी बातों का ध्यान रखा है और जब हम इस संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमको उनके स्वास्थ्य की, उनकी सुरक्षा का और भी ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन के पश्चात जब भी शासन प्रशासन द्वारा विद्यालय को प्रारंभ करने के निर्देश आएंगे तो विद्यालय में आप विद्यार्थियों को आना है और सभी पालकों से ये कहना चाहती हूँ कि वो चिंता मुक्त होकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, नियमित रूप से भेजें। विद्यालय ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालय का सैनिटाइजर, विद्यालय बसों का सैनिटाइजर, फर्नीचर का सैनिटाइजर, बच्चों के हैंड वॉश की व्यवस्था, मास्क की अनिवार्यता, इन सभी बातों पर हमने काम शुरू कर दिया है। बच्चों की कक्षाओं में जो संख्या है वह किस तरह से होना चाहिए, इन सभी बातों का हमने ध्यान रखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को समय समय पर समझाते रहे कि जब भी वे घर से बाहर विद्यालय के लिए निकलेंगे तो उनको किस तरह अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है, किन नियमों को पालना है, जहाँ भीड़ हो वहां नहीं जाना है, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना है, मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर रखना है। अगर आप और हम इस तरह से विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से समझाइश देंगे तो हमारे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि जब भी हमारे पास निर्देश प्राप्त होंगे हम आपको सूचित करेंगे कि आप अपने बच्चों को कब से विद्यालय भेज सकेंगे, तब आप चिंता मुक्त होकर बिना किसी परेशानी के विद्यार्थियों को विद्यालय भेजें। धन्यवाद।